द फर्स्ट वर्ड इज काफिर. काफिर का क्या मतलब होता है? सरप्राइजिंगली जब आप गूगल करेंगे आपको वही मीनिंग मिलेगा जो आप इसका मीनिंग जानते थे. बट गूगल उठाता है पॉपुलर मीनिंग, यानी कि ज्यादातर लोगों ने जो इसे समझा है गूगल आपको वही बताएगा. इसके लिए आपको उठानी होगी डिक्शनरी जहां पे ये लफ्ज है. काफिर जो लफ्ज है वो बना है एक दूसरे लफ्ज से, कुफ्र से. कुफ्र का क्या मतलब होता है? कुफ्र कहते हैं किसी चीज को छुपाने को, टू कंसील, टू हाइड. किसी भी चीज को अगर हम छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसे कुफ्र करना कहा जाता है. यहां पे जो इसका मीनिंग है वो बेसिकली है जब हम खुदा की, रब की, भगवान की टीचिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं. जब ये जानते हुए कि हमें किसने बनाया है, हमारा कोई क्रिएटर है, हम उस फैक्ट को हाइड करने की कोशिश करते हैं. जो नॉन बिलीवर होता है, जिसका ईमान नहीं होता है, उसे काफिर कहते हैं क्योंकि वो कुफ्र करता है. एक बेवफा के प्यार में हद से गुजर गए, एक बेवफा के प्यार में हद से गुजर गए, काफिर के प्यार ने हमें काफिर बना दिया. वो छुपाता है कि कोई है जिसने हमें बनाया है. जो सच को छुपाता है उसको काफिर कहते हैं. एक पहुंचा हुआ मुसाफिर है, दिल भटकने में फिर भी माहिर है. कौन लाया है इश्क पर ईमान? मैं भी काफिर हूं, तू भी काफिर है. नॉन मुस्लिम्स काफिर है, आगे से मत बोलिएगा. आज का दूसरा लफ्ज है जिहाद. कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ने, आतंकवादियों ने इस लफ्ज को इस्तेमाल करके इसका मतलब बिगाड़ने में, और हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि इसका असली मतलब क्या है. अरबिक वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज है जिसका मतलब दुनिया भर में मुझे लगता है 5% से ज्यादा लोगों को उसका सही मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि कसर नहीं छोड़ी. किसी ने बदनाम कर दिया तो क्या इसका मतलब बदल जाएगा? नहीं. और इस लफ्ज का मतलब मुस्लिम्स को भी जानना उतना ही जरूरी है जितना नॉन मुस्लिम्स को. सबसे पहले जिहाद का मतलब जो नहीं है, इट डज नॉट मीन अ होली वॉर. जिहाद का मतलब कोई होली वॉर नहीं है, छोटा सा मतलब है, टू स्ट्रगल, संघर्ष करना, बस इतना सा ही मतलब है. मतलब ये इतना आसान सा वर्ड है कि इसको ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि यार वो मुझे लड़की बहुत पसंद है लेकिन उसका मोबाइल नंबर जो है वो ढूंढना एक जिहाद है. इट्स अ स्ट्रगल, एक संघर्ष है. जैसे कि मैं ये भी कह सकती हूं कि जो लोग इस लफ्ज का गलत मतलब फैला रहे हैं उनसे भी आपको और मुझे एक जिहाद करना है, एक स्ट्रगल करना है, एक संघर्ष करना है, क्योंकि वो झूठ फैला रहे हैं और आप और मैं सच जानते हैं. अब हम खुद से स्ट्रगल करें. सबसे पहले जिहाद खुद से होता है. अपने अंदर जो बुराइयां हैं, जो झूठ है, उसको निकालना, उससे स्ट्रगल करना, उसके साथ एक संघर्ष करना, उसे जिहाद कहते हैं. जब हम अपने अंदर की लड़ाई लड़ लें तो फिर बाहर हमारे आसपास जो झूठ है उससे स्ट्रगल करना. तो अब आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप कम से कम अपने 3 दोस्तों को काफिर और जिहाद का असल मतलब बताएंगे. इसके बाद भी हो सकता है कि कोई कमेंट सेक्शन में मुझे एक आर्टिकल के साथ टैग करे या एक वीडियो के साथ टैग करे और कहे यहां पे तो जिहाद का मतलब कुछ और है. तो उनसे मैं सिर्फ इतना कहूंगी, सच को झूठ के कपड़े पहनाने से सच झूठ नहीं बन जाता.